लाल तो भाई जाम देखो यहाँ पे कितना तगड़ा लग चुका है। एक सेकंड मैं ना थोड़ा आगे जाके देख लेता हूँ चक्कर क्या चल रहा है। ओह तेरी भाई कितनी बड़ी शार्क है ये, कुछ तो करने वाली है भाई, कुछ तो करने वाली है। शार्क ही है या फिर कुछ और है, मॉन्स्टर है भाई ये कितनी बड़ी शार्क है भाई। भाई मुझे ना ऐसा लग रहा है इसके अंदर ही आ जाना चाहिए क्योंकि बाहर ना सेफ फील नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरी भाई पंपर कहाँ पे है? ओ इसको भाई तूफान के अंदर भी फ्यूल चाहिए। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। और भाई लास्ट एपिसोड में आप सभी को पता होगा हमने ओशियन के ऊपर एक मस्त सा 5-स्टार गैस स्टेशन शुरू किया था जिसमें भाई हमने अपना एक वेयर हाउस बनाया, एक हमने फ्यूल पंप बनाया जिससे हम मोटर बोट के अंदर फ्यूल डाल सकते हैं। साथ ही भाई हमने एक प्यारा सा अपना ऑफिस भी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, इधर थोड़ा बहुत सामान हमने ऑर्डर किया, शेल्फ लगाए, थोड़ी बहुत सफाई करी और यहाँ पे भी एक फ्यूल पंप लगाया जिससे हम गाड़ियों के अंदर भी फ्यूल डाल सके। फिलहाल तो भाई मेरा एक कस्टमर आ चुका है और इसने मुझे मांगा है 9.10, लेकिन यार मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा फ्यूल भर दिया, लेकिन कोई नहीं शायद मुझे ये पैसे दे देगा। फिलहाल भाई यहाँ पे थोड़े बहुत कस्टमर नहीं है, थोड़े बहुत नहीं सिर्फ एक कस्टमर है, तो देख लेता हूँ इसने 5 प्रोडक्ट लिए हैं तो इसके मैंने 5 के 5 प्रोडक्ट इसे दे दिए और बोल दिया आपका दिन शुभ। बाकी आज का एपिसोड शुरू हुआ है तो सबसे पहले भाई मुझे सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि साफ सुथरा ऑफिस रहेगा तो भाई काम करने में मन लगेगा। और मैं सोच रहा हूँ भाई आज ना मैं थोड़ा सा अपने इस ऑफिस को और अपने इस बिजनेस को आगे ले जाऊं, उसके लिए भाई मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपने भाई एक चीज नोटिस करी हो या फिर ना करी हो, हमारे ना यहाँ पे एक टॉयलेट की कमी है क्योंकि आप देख सकते हो भाई एक ऑफिस है जिसके अंदर हम बिलिंग करते हैं, हमारे पास कूड़ा डालने के लिए भी बहुत बड़ा डस्टबिन भी है, फ्यूल भरने के लिए 2-2 फ्यूल पंप भी है, एक बोट का, एक गाड़ियों का वेयर हाउस भी है, लेकिन भाई टॉयलेट नहीं है। तो क्यों ना भाई आज हम अपने लिए एक मस्त सा टॉयलेट खरीद लें। तो ठीक है मुझे खरीदना है टॉयलेट जो कि मुझे मिलने वाला है $100 में, जैसे कि आप इसकी प्राइस देख सकते हो। तो ठीक है और भाई हमारा प्यारा सा टॉयलेट खुल चुका है और वेल्केनो भी भाई खुश हो जाता है। ठीक है टॉयलेट के साथ साथ मैं ना एक स्कूबा डाइविंग का सामान भी खरीदने वाला हूँ, जैसे कि भाई स्कूबा डाइविंग होती है उसमें पैडल्स या फिर किट वगैरह जो भी देते हैं स्विमिंग की, तो हम उसको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। फिलहाल मुझे जाना है फिर से अपग्रेड में और स्कूबा डाइविंग किधर है ये रही, तो इसको खरीदने के लिए मुझे $250 देने पड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं भाई इसको खरीद लेते हैं क्योंकि ये हमारा बिजनेस को आगे ले जाने वाला है। तो ऑलरेडी गाइस हमने ना एक स्कूबा डाइविंग पोर्ट भी खरीद लिया है, इससे ना भाई अब हमारा बिजनेस और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। फिलहाल ना भाई यहाँ पे मुझे करना क्या है मुझे पता नहीं है, इधर बहुत ज्यादा गैजेट रखे हुए हैं जिससे लोग स्विमिंग कर लिया करेंगे, स्विमिंग नहीं भाई अंडर वाटर जो भी होता है वो सारे काम। और ये मास्क थोड़े भाई मेरे को अजीब से और डरावने से क्यों लग रहे हो, नीचे देखो भाई जूते पड़े हुए कितने ज्यादा, और यहाँ पे तैरने वरने के लिए ट्यूब वगैरह रखी हुई है, इधर ये कंपास है या फिर दूरबीन है, इधर भी सूज है। अंदर जाके देख लेते हैं भाई क्या सीन है अंदर जाके। ओ ये शायद चेंजिंग रूम है हमारा और यहाँ से सीधे भाई लोग पानी के अंदर छपाक से कूद जाया करेंगे। ठीक है ये तो भाई मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज खोल ली है और मुझे पता नहीं भाई इसको चलाने के लिए मुझे कोई वर्कर हायर करना पड़ेगा या फिर 50% मैंने ऑफ का बोर्ड भी लगा दिया भाई। चलो ठीक है यहाँ पे मेरे को अब तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही ये क्या चीज है भाई ये अभी भी बंजर पड़ी हुई है, लेकिन जल्दी भाई मुझे ये भी रिपेयर करके कुछ तो यहाँ पे खोलना पड़ेगा। टॉयलेट भी भाई खुल चुका है, एक बार मैं देख लेता हूँ टॉयलेट ये हमारा ठीक है, और ये भाई कुछ ज्यादा ही कंजस्टेड और छोटा सा नहीं है, लेकिन कोई नहीं भाई इसको हम आगे चल के अपग्रेड कर देंगे। फिलहाल तो भाई मैं अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दे लेता हूँ, मेरे पास अभी भी $350 बचे हुए हैं और यहाँ पे ना भाई कस्टमर की लाइन लग चुकी है। पहले तो भाई मैं सारे के सारे कस्टमर्स को फ्री कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे आगे काम करने पड़ेंगे। एक लेडी और आई है और इसने खरीदे हैं 5 प्रोडक्ट, तो ठीक है इसकी बिलिंग भी भाई मुझे जल्दी से कर देनी चाहिए और फटाफट से भाई इसको बिल पकड़ा देता हूँ। $9 का इसका बिल हुआ ठीक है, और मैं ना एक बार देख लेता हूँ मेरे प्रोडक्ट वगैरह सब ठीक है ना, यहाँ पे शायद थोड़े बहुत प्रोडक्ट की कमी हो चुकी है तो मैं थोड़े से और ऐड कर लेता हूँ, पॉपकॉर्न भी ऐड कर लेता हूँ। और भाई मेरे पास ना स्नैक्स के सेल्फ है 2 और ड्रिंक्स के हैं 3, यार ये भेदभाव क्यों, बाकी यहाँ पे ड्रिंक्स तो नहीं है तो मुझे शायद और ऑर्डर करनी पड़ेगी। यार कस्टमर देखो भाई कितने ज्यादा आ रहे हैं, तो मुझे भाई पहले यही फ्री करने पड़ेंगे तभी भाई मैं कुछ आगे के काम करने वाला हूँ। और ठीक है भाई इसका बिल भी मैंने काट दिया। अब मैं सोच रहा हूँ अपने लिए ना भाई कंप्यूटर पे जाके कुछ और चीजें खरीद लूँ, टूल्स में जाके पेंट खरीद लेता हूँ ठीक है, और एक ना भाई मैं पिक लॉक भी खरीद लेता हूँ, इससे ना भाई मैं गाड़ियों की चोरी कर पाऊंगा। लेकिन पैसा खत्म हो चुका है भाई, मुझे $150 चाहिए, तो कोई नहीं एक गाड़ी के अंदर अगर मैं फ्यूल डालूंगा ना तो भाई मेरे $150 आराम से हो जाएंगे। और हो चुके नहीं यार अभी नहीं हुए, कोई नहीं एक मोटर बोट के अंदर भी फ्यूल डाल के आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां पे एक ना एक मोटर बोट तो आ गई होगी, आई हुई है या फिर नहीं आई हुई। ओह आ चुकी भाई, ये क्या बोलते हैं इसका नाम मैं भूल गया, लेकिन ठीक है भाई इसका भी मैंने फ्यूल डाल दिया। मेरे पास हो चुके हैं $174, तो जल्दी से भाई मैं एक ना पिक लॉक खरीद लेता हूँ, उसकी मदद से मैं चोरी करने वाला हूँ। ठीक है मेरी पिक लॉक भी हो चुकी है बढ़िया, और अब मुझे जाना है भाई गाड़ियों की चोरी करने। तो सबसे पहले तो भाई मैं अपने हाथ में पिक लॉक ले लेता हूँ और इस वाली गाड़ी को मैं चोरी करूँ क्या, और भाई मैं ना थोड़ा सा ठीक है ये खुल चुका है और $11 मुझे मिल चुके हैं। ठीक है भाई चोरी करना तो बहुत ज्यादा आसान है और अब मुझे करनी है इसकी चोरी। ठीक है
बस मुझे भाई कॉम्बो ट्राई करने जिससे ये आराम से खुल जाए। नहीं यार भाई मेरी पिक लॉक। ओ भागो 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 यहाँ से भागो यार, गड़बड़ कर दी मैंने। मतलब भाई थोड़ा भी मैं चोरी के मामले में कच्चा हूँ, कहीं भाई फाइन वगैरह ना देना पड़ जाए। लेकिन कोई नहीं भाई, किसी को नहीं पता कि मालिक चोरी कर रहा, सबको लगेगा कोई चोर आया होगा और आवाज़ सुन के भाग गया होगा। लेकिन भाई इनको नहीं पता इस फ्यूल स्टेशन का मालिक ही चोर है, वो भी बहुत बड़ा। फिलहाल भाई कस्टमर तो आते जाते रहेंगे, मेरे पास $96 है। मैं सोच रहा हूँ अपने ना इस बढ़िया से ऑफिस को पेंट कर डालूं। और इसको मैं पेंट कर सकता हूँ क्या भाई? ये पेंट कैसे होंगी, ये तो दीवारें हैं ना, हो इनके ऊपर भी पेंट हो सकता है? नहीं यार ये तो झोपड़े टाइप है, इसके ऊपर तो पेंट नहीं होगा, दीवारों के ऊपर पेंट हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ उनको व्हाइट करूँ या फिर कौन से करूँ। मेरे पास ना काफी कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा मेरे पास वॉलपेपर भी है, लेकिन मैं ना वॉलपेपर चूज ना करके व्हाइट पेंट ही कर देते, देख लेते भाई व्हाइट पेंट कैसा लगने वाला है। ठीक है भाई, एक दीवार मैंने व्हाइट कर दी और व्हाइट काफी ज्यादा सही लग रहा है भाई। तो ठीक है, मैं सारी की सारी दीवारों पर व्हाइट ही कलर करने वाला हूँ, क्योंकि व्हाइट कलर भाई दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये वाली दीवार भी हो चुकी है। और सही बताऊँ ना, इस पेंट ब्रश से करने में भाई टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमें ब्रश चलानी पड़ती है। और यहाँ पे यार ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड, इन फंटियों को मैं यहाँ से हटा नहीं सकता क्या? नहीं यार, कोई नहीं भाई, हम पहले पेंट करने पे ध्यान देते, उसके बाद ही कुछ और काम करने वाले हैं। फिलहाल तो चलो सारी की सारी दीवारों को मैं व्हाइट कर ही देता हूँ, उसके बाद देखेंगे मुझे क्या करना है। टॉयलेट गई, रात हो चुकी भाई काम करते करते। लेकिन खुशी की बात ये भाई, मैंने सारी की सारी दीवारें बाहर से तो व्हाइट कर दी और दिखने में भाई काफी ज्यादा ये बढ़िया लग रही है। मतलब अब ना थोड़ा हमारा ऑफिस चमचमा रहा है। और फिलहाल ना भाई एक कस्टमर आ चुका है, तो क्यों ना इसको भी भाई फ्यूल डाल के फ्री कर दिया जाए। और मुझे ना भाई ये भी चेक करना होगा मेरे पास फ्यूल कितना बचा है, क्योंकि फ्यूल अगर मैंने नहीं देखा और फ्यूल खत्म हो गया तो भाई दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन में जाके, अभी भी 38% फ्यूल बाकी है। तो कोई नहीं भाई, इतना तो काफी है। टूल्स वगैरह तो शायद मैंने नहीं, यार कैनन और ये भाई क्या चीज है, हैमर वगैरह और वैक्यूम, ओ एयर ब्रश भाई, इससे शायद मैं स्पीड से कलर कर पाऊंगा। और एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मतलब एक टैबलेट भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन अभी ना ये लॉक्ड है। तो कोई नहीं, आगे चल के शायद अनलॉक हो जाएंगे। फिलहाल मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ क्या? इसके लिए $200 चाहिए, उसके बाद ना मेरा गैस स्टेशन लेवल 3 का हो जाएगा। लेकिन छोड़ो यार, अभी ना थोड़ा पैसा कम है मेरे पास, $152 ही है। और थोड़े यहाँ पे कस्टमर है तो इनको भी मैं फ्री कर देता हूँ जल्दी से। और इस वाले कस्टमर ने तो भाई लाइने लगा दी, इतना ज्यादा सामान खरीदा है। लेकिन भाई सामान बेचने में ना टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। और ये वाला देखो फुल भर चुका है गार्बेज, पूरा कूड़ा भर चुका है। देख लेता हूँ मैं दोनों के दोनों को ना खाली कर ही देता हूँ, क्योंकि कूड़ा रहेगा ना तो भाई दिक्कत रहेगी। तो यहाँ से भी ले लेते हैं। और ट्रैश को ना मैं बाहर ही फेंक देता हूँ, इसको थोड़ी बहुत देर में मैं क्लियर कर दूंगा। मुझे ना भाई गार्बेज ट्रक ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते भाई ये वाला पूरा का पूरा कूड़ेदान मेरा भर चुका है। और इसको मुझे खाली करना पड़ेगा, तभी भाई मैं इसके अंदर और कचरा भर सकता हूँ। फिलहाल तो जितना भी पड़ा हुआ है कूड़ा करकट में उठा के उस ओर ही फेंक देता हूँ, बाद में भाई मैं धीरे धीरे इसको एक एक करके हटा दूंगा, तू भी जा उधर। और यहाँ पे भी भाई ये देखो कितने ज्यादा खाली डब्बे वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे भाई मुझे ना रिमूव ही करने पड़ेंगे, वरना भाई ये मेरी लोकेशन को खराब कर रहे हैं। ये देखो कितने ज्यादा भाई कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। फिलहाल तो भाई इन दो कस्टमर्स को भी मैं फ्री कर ही देता हूँ, वरना भाई ये मेरे को नेगेटिव रेटिंग दे देंगी। ठीक है भाई, सारे कस्टमर फ्री हो चुके हैं, अब मुझे जाना है। फिलहाल तो भाई जाम देखो यहाँ पे कितना तगड़ा लग चुका है भाई। मैंने अपने स्कूबा डाइविंग देखने आया था, लेकिन इधर देखो भाई जाम, यहाँ पे ना एक गाड़ी पलटी पड़ी है भाई। लेकिन मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रेंज भाई ज्यादा दूर तक नहीं इस गेम के अंदर। लेकिन कोई नहीं, आगे चल के शायद इसकी रेंज बढ़ जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पे एक लाइफ गार्ड की भी जगह है यार, लेकिन कोई लाइफ गार्ड इधर बैठा नहीं हुआ, शायद मुझे कोई हायर करना पड़ेगा। फिलहाल तो भाई यहाँ पे ना कुछ कस्टमर्स आ चुके, लेकिन मेरे पास ना कुछ भी रेंट पे देने के लिए नहीं है। तो मुझे ना सबसे पहले भाई अपने पीसी में जाके स्कूबा डाइविंग की कुछ चीजें ऑर्डर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही भाई मैं रेंट पे दे पाऊंगा। तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं पीसी के अंदर, यार ये देखो भाई गंदगी कितनी ज्यादा हो रखी है। लेकिन ठीक है, अभी मैं सफाई करने के मूड में नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ डिलीवरी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर और स्कूबा डाइविंग गियर एड टू कार्ट। ठीक है, मैं एक ही मंगा के देख लेता हूँ, मुझे अभी सिस्टम पता नहीं है भाई ये कैसे ऑर्डर होंगे। फिलहाल मैं कुछ और चीजें भी खरीद सकता हूँ क्या? मैं ना भाई अभी नए शेल्फ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी ना भाई पैसे की थोड़ी कमी है। मैं सोच रहा हूँ एक लोन ले लूँ क्या भाई, लोन ले सकता हूँ मैं सर्विसेज के अंदर जाके। ओ करंट लोन 0, रिक्वेस्ट टू लोन, ठीक है। और मैं $2000 का चलो लोन ले ही लेते हैं, क्योंकि भाई मुझे जरूरत पड़ने वाली पैसे की। और लोन आ चुका है और टाइम लेफ्ट भाई 1 दिन 11 मिनट 54 सेकंड, मुझे इतनी जल्दी लोन चुकाना पड़ेगा भाई? ये लोन है या फिर क्या है, आफत है, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई नहीं भाई, अब ले ही लिया है तो मुझे चीजें खरीद लेनी चाहिए। मैं ना स्मॉल एल्कोहल स्टैंड खरीद लेता हूँ, एक सिगरेट का भी स्मॉल ही खरीद लेते हैं, और एक आइसक्रीम का मैं स्मॉल ही खरीद लेते हैं, क्योंकि चीजें हम कम ही मंगाएंगे। ये चीजें मैंने ऑर्डर कर दी। अब इसके अलावा भाई मुझे जाना है प्रोडक्ट के अंदर। सबसे पहले भाई मैं एल्कोहल एड करने वाला हूँ, तो ठीक है 3 एल्कोहल काफी होंगे। सिगरेट भी मैं ये शुरू के 3 ही ऑर्डर कर लेता हूँ। आइसक्रीम चलो मैं 2 तरह की मंगा लेता हूँ, और स्कूबा डाइविंग के 1-2 गियर में और मंगा लेता हूँ। ठीक है, सारी की सारी चीजें मैं ऑर्डर कर देता हूँ।
और बहुत जल्दी भाई मेरा ऑर्डर भी आ जाएगा। तब तक भाई मैं ऐसा करता हूँ यहाँ की ना थोड़ी बहुत सफाई में और कर देता हूँ, जो भी चीज भाई पड़ी हुई है उठा उठा के एक साइड कर देते हैं। इसके अलावा यार एक तो भाई लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, चीजें लेते हैं तो उनको डस्टबिन में नहीं फेंकते, मुझे भाई खुद से सफाई करनी पड़ती है। ठीक है यहाँ का तो काम हो चुका है, थोड़ी बहुत धूल है तो इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है भाई ये भी साफ हो चुकी है, बढ़िया। इसके अलावा भाई कोई कस्टमर तो नहीं है, एक ना शायद फ्यूल का कस्टमर आ चुका है बोट के अंदर, तो भाई इसको भी फ्यूल दे देते हैं और इसको बोल देते हैं निकल यहाँ से। चल ठीक है भाई इसका काम हो गया, इसको भगा देते हैं यहाँ से। मेरा डिलीवरी ट्रक भी आ चुका है, ठीक है सारा का सारा सामान लेके भाई मैं यहाँ रख देता हूँ। और भी एक सामान ठीक है सब कुछ ले लिया मैंने भाई, मुझे ना जल्दी ये वेयर हाउस भी लेवल 2 का अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो सामान लेने की कैपेसिटी है ना अभी काफी कम है। और सामने ना भाई एक कस्टमर भी शायद आ चुका है, ये देखो भाई आ चुका है, तो यही से इसकी बोट के ऊपर मैं कूद जाता हूँ। और अब भाई इसको फ्यूल दे देते हैं, 15 लीटर का ऑर्डर है। ठीक है भाई डन। और अब मुझे भाई जल्दी से सारा का सारा सामान अपने सेल्फ पे लगाना है और स्कूबा डाइविंग के गियर भी भाई मुझे सेल्फ पे लगाने हैं। सबसे पहले तो भाई अल्कोहल वगैरह, यार मैंने सेल्फ तो भाई लगाई नहीं, तो ठीक है मुझे सेल्फ वगैरह लगाने पड़ेंगे। ये है भाई मेरा आइसक्रीम का सेल्फ, तो इसको मैं लगा देता हूँ। ये तो भाई छोटा सा ही है, तो चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे भाई लोग हमारे इस ऑफिस में एंटर करेंगे सबसे पहले उन्हें आइसक्रीम दिखने वाली है। ठीक है और अब मुझे लगाना है भाई ये अल्कोहल का स्टैंड है या फिर किस चीज का स्टैंड है, ये आई थिंक भाई अल्कोहल का स्टैंड है, तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये अल्कोहल का ही है। और अब बारी भाई सिगरेट्स के स्टैंड की, और इसको तो चलो भाई मैं यही पे लगा देता हूँ। ठीक है और इसके अंदर भाई चीजें हम प्लेस कर देते हैं, प्लेस ऑल, और अल्कोहल भी इसके अंदर हम लगा देते हैं। भाई बियर शियर मंगा लिए, अब लोग ज्यादा खरीदेंगे। आइसक्रीम वगैरह भी भाई मैंने 2 तरह की मंगाई थी, तो ये यार फ्रीज भर चुका है पूरा, लेकिन कोई नहीं भाई अब चीजें बिकेंगी तो ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मुझे और मंगानी चाहिए, लेकिन छोड़ो अभी मैं नहीं मंगा रहा, अभी थोड़ा पैसा तो है लेकिन मैं कुछ और करने वाला हूँ फिलहाल। तो भाई यहाँ पे भीड़ देखो बढ़ती जा रही है, नहीं यार अभी वो 3 ही बंदे हैं। बाकी यहाँ पे मुझे स्कूबा डाइविंग की चीजें ऐड कर लेनी चाहिए, ऐड टू द बॉक्स सेल्फ, ओके। और मुझे भाई समझ नहीं आ रहा इनको मुझे बेचना कैसे, कुर्सी वुर्सी खरीदनी पड़ेगी क्या या फिर ऐसे ही काम चल जाएगा यहाँ पे। ओ सेट, ठीक है सेट। भाई मेरे समझ नहीं आ रहा यार मुझे चीजें बेचनी कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैंड वगैरह तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। बाकी शायद कुछ चीज मुझे और ऑर्डर करनी पड़ेगी क्या, उसके बाद ही शायद मैं बेच पाऊंगा, पता नहीं यार क्या दिक्कत आ रही है। मैं ना फिर से अपने पीसी में जाके देख लेता हूँ, क्या पता स्कूबा डाइविंग का कुछ और भी मुझे खरीदना पड़े। फिलहाल तो गंदगी देखो भाई इधर कितना कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है। इधर मैं पेंट कर सकता हूँ क्या, एक बार देख लेता हूँ। नहीं यार पेंट तो नहीं कर सकता, सफाई कर सकता हूँ शायद, क्योंकि यहाँ पे ना गंदगी बहुत ज्यादा है। नहीं यार सफाई का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। और मेरा टॉयलेट कुछ ज्यादा ही घटिया सा ही है, कोई नहीं भाई इसको भी अपग्रेड कर देंगे बहुत जल्दी। फिलहाल तो भाई मैं ऐसा करता हूँ अपने ना इस ऑफिस को अंदर से भी पेंट कर लेता हूँ। और इसको अब पेंट करने से पहले एक सेकंड मैं ना एम्प्लॉय शायद हायर कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एक हाउस खरीदना पड़ेगा जो कि है $400 का, क्योंकि जो मेरा एम्प्लॉय होगा भाई उसको रहने की जगह चाहिए। तो ठीक है मैं बाई कर लेता हूँ, और ये भाई एक क्वार्टर टाइप की जगह हो चुकी है जिसके अंदर मेरा एम्प्लॉय रह लिया करेगा। और अब भाई मैं हायर करने वाला हूँ लड़की या फिर लड़का, देख लेता हूँ। तो लड़की मुझे ना भाई स्किल्स वाइज ये लड़की ज्यादा सही लग रही, तो मैं इसको हायर कर लेता हूँ। ठीक है और ये वाला वर्कर मेरा किधर लग चुका है भाई, गाड़ियों पे या फिर शायद अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा। एक बार ना मैं इसके रूम पे जाके चेक कर लेता हूँ, क्या पता भाई अपने क्वार्टर में आके रिलैक्स कर रही हो आराम से। और सामने भाई कोई तो है, ये देखो सामने है तो सही, ये कौन है, यही मेरी वर्कर है लेकिन ये कुछ नहीं कर रही भाई। ओ भाई मुझे इसकी सैलरी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी, और डे या फिर नाइट, मैं ना इसकी डे शिफ्ट देने वाला हूँ और $200 मैं इसको पे कर देता हूँ। ठीक है अब शायद ये काम करने वाली है। अबे भाई काम क्यों नहीं कर रही, पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अब भाई ये काम रात हो रही है फिर दिन ही तो हो रहा है भाई, ये काम क्यों नहीं कर रही, क्या दिक्कत है। इसका घर तो भाई चकाचक है लेकिन इसका बेड ही थोड़ा अजीब सही है, शायद थोड़ी बहुत देर में, यार ये रेस्टिंग पे है, शायद थोड़ी बहुत देर में ये काम करने लग जाएगी। और ये देखो भाई अपर राइट साइड कॉर्नर में टाइम लेफ्ट दिखा रहा है $2,500 का जो मैं लोन लिया है। मुझे ऐसा लगता है भाई जैसे कि हमारा उस जमीन वाले गैस स्टेशन पे हुआ था, बहुत जल्दी कोई गैंग के मेंबर आके मेरे को पीट के जाने वाले हैं, क्योंकि भाई ये देखो $902 ही रह गए और मेरे को कोई जरिया नहीं दिखाई दे रहा मैं कैसे चुकाऊंगा उसको, क्योंकि भाई सारे एक्सपेंस मैं करता जा रहा हूँ लेकिन इनकम मेरी हो नहीं पा रही है। और मैंने वर्कर भी हायर कर ली लेकिन भाई वो भी कुछ काम नहीं कर रही है, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं ना बहुत जल्दी कोई मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। लेकिन छोड़ो भाई पहले अपने काम पे ध्यान देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो ठीक है भाई $30 मैंने इससे ले लिए। अब इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ अपने ऑफिस को ना अंदर से भी पेंट कर देता हूँ, क्योंकि यार ये ना दिखने में थोड़ा अजीब सही लग रहा है, तो सारा का सारा ऑफिस पेंट हो जाएगा तब ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। तो लेट्स गाइस भाई मेरा ऑफिस भी अंदर से एकदम चमा चुका है, कितना ज्यादा भाई ये प्यारा लग रहा है। और भाई आज ना मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरे कस्टमर्स ही नहीं आ रहे, मैं इतनी देर से काम करने लग रहा हूँ लेकिन भाई एक भी कस्टमर नहीं आया सामान खरीदने के लिए, पता नहीं भाई क्या दिक्कत है। फिलहाल तो भाई मैं बोट के अंदर फ्यूल भरने चला जाता हूँ,
और ठीक है। और भाई मेरे ना एक चीज समझ में आ चुकी है कि स्कूबा डाइविंग के गियर मुझे कैसे देने हैं। मुझे ना बस भाई ऑर्डर करने और देने के लिए भाई बस मुझे उस बॉक्स में जाके क्लिक करना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पहले भाई मुझे डिलीवरी के अंदर जाके मैं ऐसा करता हूँ, एड टू कार्ट कर लेता हूँ, 5 मंगा लेता हूँ अपने लिए। टोटल मेरा बैठ चुका है $162 का। ठीक है, $200 के मंगाई लेते हैं पूरे, 357। ठीक है कोई नहीं भाई, ऑर्डर कर देता हूँ, थोड़ी बहुत देर में ये आई जाएंगे। और फिलहाल ना भाई रात देखो कितनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन रात का माहौल भाई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। अब थोड़ा सुकून सा मिलता है भाई इस गेम को रात में खेलने में। और यार ये वर्कर पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इसकी, ये काम ही नहीं कर रही है। मैंने इसको बोल देता हूँ तू नाइट में काम कर, और पैसे मैंने इसको दे दिए, लेकिन पता नहीं ये कुछ कर ही नहीं रही है। ओ मैंने इसको जॉब तो दी नहीं भाई, इसको मैं जॉब दे देता हूँ, मेक आइसक्रीम फ्यूल बोट्स और रिपेयर कार्स, हैंडल द रजिस्टर, क्लीन द स्टेशन, फ्यूल कार्स। ठीक है मैं इसको फ्यूल कार्स की जॉब दे देता हूँ और देख लेता हूँ। ओ ये काम करने के लिए निकल चुके भाई, मैंने इतनी देर से ध्यान ही नहीं दिया, और अब भाई ये दौड़ दौड़ के काम करने वाली है। ठीक है रात की मैंने इसको शिफ्ट दे दी है तो ये काम कर लेगी। फिलहाल तो भाई ये लेफ्ट कॉर्नर में एक ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रहा होगा और 58 दिखा रहा है, पता नहीं भाई कुछ तो होने वाला शायद। और मेरे स्कूबा डाइविंग गियर भाई आए हैं या फिर नहीं आए वो भी देख लेता हूँ। मोटर बोट तो आ चुकी है सामान लेके, और यहाँ पे भाई एक कस्टमर मेरा खड़ा है फ्यूल लेने के लिए, लेकिन छोड़ो अभी मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, मुझे पहले अपने सारे के सारे प्रोडक्ट लेने हैं और इनको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई ये जा चुका है, अब मैं चलता हूँ भाई सीधा अपना स्कूबा डाइविंग की ओर और देखते भाई मुझे वहाँ पे क्या करना है। पहले ऐसा करता भाई इसको ना फ्यूल देते हुए निकल ही जाता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा मुझे। ठीक है भाई ले कितने का चाहिए तेल तेरे को, इसको तो यार कम ही तेल चाहिए। ठीक है $28 दे दिया, और यही से मैं छलक लगा के थोड़ा शॉर्टकट मार लेता हूँ। बढ़िया भाई बढ़िया, हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे देना है ना रेंट पे। तो ठीक है रेंट पे देने के लिए भाई मेरे पास है 11, तो 1 2 3 4, तो ठीक है मैं सबको दे देता हूँ रेंट पे। ठीक है, और यहाँ के कस्टमर ये देखो भाई जा चुके हैं, और धीरे धीरे भाई ये यहाँ से देखो ये मैंने सारे के सारे अंदर रख दिए ना, तो ये यहाँ पे गियर चेंज करेंगे और स्कूबा डाइविंग के लिए निकल जाएंगे। मतलब भाई थोड़ा ईजी है, और यहाँ से ना भाई मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब इसका रिस्क वगैरह अगर मैं बढ़ाऊंगा ना तो शायद उससे पैसे मुझे मिल जाएंगे ज्यादा, और पता नहीं भाई कुछ तो चक्कर है। अगर मैं लो क्वालिटी के इक्विपमेंट्स इनको दूंगा तो इनकी डेथ होने के चांस ज्यादा हैं, और हाई क्वालिटी के दूंगा तो मुझे थोड़े पैसे कम मिलेंगे। तो देख लेता हूँ भाई ये घुस तो गैस के अंदर, यहीं से स्कूबा डाइविंग के लिए तो नहीं निकल जाएगा, एक बार मैं पीछे जाके देखूं क्या। नहीं यार ये तो यहाँ से बंद है, रेंट लिखा हुआ है और ये यहाँ से बंद है। नहीं नहीं यहाँ से तो नहीं निकल सकता, ये आगे जाके देख लेता हूँ। हाँ ये निकल चुका है यहाँ से, ओ ये यूज करके आ चुका है शायद, एक बार ना मैं बॉक्स जाके देख लेता हूँ मेरे पास है 7, तो मैं ना एक और शेल्फ पे लगा देता हूँ। ठीक है ये अपने आप अब यहाँ से रेंट पे लेते रहेंगे और जाते रहेंगे, थोड़े बहुत मुझे शायद पैसे भी मिलते रहेंगे। भाई टॉयलेट से मुझे पैसे नहीं मिल रहे क्या भाई, थोड़ा ना समझ में कमी आ रहा है स्कूबा डाइविंग कैसे करवानी है। फिलहाल तो भाई यहाँ पे ये बढ़िया काम करने लग रही है, और कस्टमर भाई पता नहीं क्यों नहीं आ रहे यार, क्योंकि पार्किंग वगैरह का कोई लफड़ा है क्या। एक बार मैं देख लेता हूँ गैस स्टेशन मेरा ओपन है, गैस स्टेशन तो ओपन है, टाइटल वेब भी लिखा हुआ है, फिर पता नहीं भाई क्या दिक्कत आ रही है लोगों को। यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, किधर है बटन, बटन तो यहाँ पे ये रहा भाई, मैं इसको ऑन ऑफ करके देख लेता हूँ। एक बार क्लोज हो चुका है ये, ठीक है अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, अब शायद कस्टमर्स आ जाएंगे, और बहुत जल्दी दिन होने वाला है तो इसकी नाइट शिफ्ट भी खत्म होने वाली है। कोई नहीं भाई फिलहाल तो ये जो काम कर रही है इसको करने ही देते हैं। और स्कूबा डाइविंग में भाई मैंने 7 लोगों को अब तक रेंट पे दे दिया, राइट साइड कॉर्नर में देख सकते हो, और एक ना टॉयलेट यूज नहीं कर रहे लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है। और यहाँ पे देखो भाई कचरा कितना ज्यादा जमा हो चुका है, तो पहले तो भाई मैं ऐसा करता हूँ एक गार्बेज ट्रक ना मंगाई लेता हूँ, क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं और ज्यादा इसके अंदर कूड़ा डाल नहीं पा रहा हूँ, तो पहले सारा का सारा कूड़ा मैं इसके ऊपर जमा देता हूँ, उसके बाद गार्बेज ट्रक में ऑर्डर करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ और तो नहीं, नहीं सब कुछ ठीक है बाकी का, तो ठीक है पीसी में जाके एक मैं गार्बेज ट्रक ऑर्डर कर देता हूँ, और इसको मुझे करना है ऑर्डर। ये ना भाई आके यहाँ से सारा का सारा ट्रैश ऑटोमेटिकली ले जाएगा, अब मुझे कुछ नहीं करना। थोड़ा बहुत ना भाई मेरा फ्यूल भी खत्म हो चुका है, तो मुझे फ्यूल भी शायद मंगा लेना चाहिए, तो मुझे जाना फ्यूल सप्लाई के अंदर और 200 लीटर तेल में मंगा लेता हूँ ऑर्डर। ऑलराइट, और भाई मैं सोच रहा हूँ अपने लिए ना एक दो एम्प्लॉय और हायर कर लूंगा, लेकिन फिलहाल ना भाई तो पैसे की थोड़ी कमी है। वैसे तो $483 अभी भी है, लेकिन लोन भाई सिर्फ 13 मिनट के अंदर लोन वसूल करने आने वाला है वो, और भाई पता नहीं मेरी क्या हालत होने वाली है। कोई नहीं भाई वो तो चलो देख लेंगे, फिलहाल तो फ्यूल डाल देते हैं इसके अंदर, और आई थिंक फ्यूल ना शायद खत्म होने ही वाला है या फिर हो चुका होगा, एक बार देख लेते हैं। नहीं यार अभी तो है, लेकिन कस्टमर ना थोड़े कम ही आ रहे हैं, या तो रात के टाइम थोड़े कम कस्टमर आते हैं या फिर कोई और बात है। ठीक है भाई हमारा फ्यूल का टैंकर तो आ चुका, और देखने में भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है यार, और कितना ज्यादा सही है। इसके ऊपर मैं चढ़ के देखूंगा इसके अंदर कितना तेल है, भाई काफी ज्यादा तेल है इसके अंदर। तो ठीक है मैं यहाँ से कूद के निकल ही जाता हूँ, और यहाँ पे भी सीढ़ी लगी हुई है, अगर मैं गिर गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल तो यहाँ पे भी एक पीसी है, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ चेक कर लेता हूँ, और वेयर हाउस को भी मैं शायद अब अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए चाहिए मुझे $250। लेकिन छोड़ो भाई अभी फिजूल खर्ची मुझे नहीं करनी, और यहाँ पे भी एक गार्बेज ट्रक है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है ना, छोड़ो भाई मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना।
ना, यहाँ पे भी एक मोटर बोट आ चुकी है, तो ठीक है इसके अंदर ही मैं फ्यूल डाल देता हूँ। अब तो भाई फ्यूल की कमी नहीं है, काफी ज्यादा फ्यूल आ चुका है मेरे पास। ठीक है भाई तू भी जा, $61। ठीक है भाई ऐसे तो मुझे काफी प्रॉफिट हो जाएगा, $665 हो चुके बहुत जल्दी। और एक बार ना भाई मैनेजमेंट में जाकर चेक कर लेता हूँ मेरी सारी की सारी चीजें बढ़िया चल रही है ना। ये भाई मेरा पियर फ्यूल डिस्पेंसर, ये मेरा टॉयलेट, ये फ्यूल डिस्पेंसर, ये पार्किंग स्पॉट, ये गैस स्टेशन है, ये भाई स्कूबा है। अगर मैं चाहूँ तो भाई यही से चीजें बंद चालू कर सकता हूँ। और स्कूबा डाइविंग भी भाई मेरी बढ़िया चल रही है, 12 लोगों को अब तक मैंने रेंट पे चीजें दे दी है। और भाई मेरी ना वर्कर जा चुकी है क्योंकि दिन हो चुका है, 6 बज चुके हैं और उसने सिर्फ नाइट शिफ्ट ली थी। तो ठीक है मैं ना अब बात करके देख लेता हूँ, क्या पता आज डे शिफ्ट भी करने के लिए तैयार हो जाए। और मैं ना इसको डे शिफ्ट दे देता हूँ, ठीक है। और इसका काम है फ्यूल बोट्स, ठीक है, नॉट पेड भाई, इसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब शायद ये काम कर जाएगी, अभी ना फिलहाल भाई ये रेस्टिंग पे जा चुकी है, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के बाद शायद ये काम पे वापस से लग जाएगी। मैंने इसको काम दे दिया है और इस बार ना मैंने इसको दो काम दिया है, एक तो गाड़ियों के अंदर फ्यूल डाल लेगा और दूसरा भाई हमारे इस ऑफिस की क्लीनिंग करने का। मतलब भाई अब से हमें झाड़ू उठा के सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्कर हमारी सारा का सारा काम संभाल लेगी। और स्कूबा डाइविंग के अंदर देख लेता हूँ भाई मुझे कितनी चीजें और रेंट पे चढ़ानी है, ठीक है मैं सब कुछ चढ़ा देता हूँ। 4x4 भाई मैंने रेंट पे चीजें चढ़ा दी है। और ये देखो भाई कितना ज्यादा यार ये मस्त लग रहा दिखने में, मतलब भाई मानना पड़ेगा चीजें हो तो ऐसी। और ये टकलू देखो भाई स्कूबा डाइविंग कर लेना, क्या घूमने लग रहा है बेवकूफ, थोड़े पैसे मैं भी कमा लूंगा। और भाई मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ इधर ना कोई भी गाड़ी पार्किंग पे नहीं आ रही है। इधर भाई जो झगड़ा हुआ था रात में, ये देखो भाई तभी मैं बोलू मेरे कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे तो भाई लाइनें लगी पड़ी है। एक तरह से भाई ये गेम में ग्लिच आ चुका है, मैं भाई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सामने ना एक गाड़ी पलटी पड़ी है। और इसको हटाने के लिए भाई मुझे कुछ तो करना चाहिए, लेकिन नहीं यार ये नहीं हट पा रही है यहाँ से भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है और ये कैसे सही होगी। मतलब भाई यहाँ पे ना एक गाड़ी पलट चुकी है आप देख सकते हो, और इसकी वजह से ना भाई मेरे कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं पार्किंग वाले, और ना ही भाई फ्यूल वाले। तो यार भाई एक तरह से ग्लिच है भाई, मुझे गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं गेम रीस्टार्ट करना नहीं चाहता। और यार मैं धक्का दे के देखूंगा, अगर मैं धक्का देने जाता हूँ तो भाई ये गो बैक का वो आ जाता है नोटिफिकेशन, लेकिन यार मैं कर भी क्या सकता हूँ। एक सेकंड इसको धक्का, यार नहीं भाई धक्का नहीं दे पा रहा हूँ मैं। अगर पंपिंग सिमुलेटर होता ना भाई तो अभी एक बटन दबाता ये दूर जाके गिरती गाड़ी, लेकिन यार ये पंपिंग सिमुलेटर नहीं है। और भाई मेरे जो लोन की डेट थी ना वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रही है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर बॉस आने वाला है मेरे से लोन लेने के लिए। और सामने एक गाड़ी पलटी हुई है भाई, ये सारा का सारा मेरा काम खराब कर रही है। उत्तरी भाई मैं झाड़ू से शायद इनको रिमूव कर सकता हूँ, ये देखो झाड़ू तो भाई कमाल की चीज है, मैं सोच रहा था नहीं हटेंगी यहाँ से, लेकिन ठीक है झाड़ू मेरे हाथ लग चुका है। और यहाँ पे देखो भाई कितनी गंदगी है, लेकिन ठीक है अब झाड़ू की मदद से सारा का सारा मैं ट्रैफिक हटाने वाला हूँ यहाँ से। बस मुझे ये चलने लग गया क्या भाई, ओह सारा का सारा ट्रैफिक क्लियर हो चुका है, ठीक है अब भाई मेरी गाड़ियां आने लग जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, झाड़ू इसलिए शायद इस गेम में दी गई है कि इसकी मदद से भाई मैं ट्रैफिक वगैरह को ठीक कर सकूं, क्योंकि आए दिन ना भाई यहाँ पे गाड़ी वगैरह पलटती रहेंगी। फिलहाल ना भाई मेरा कचरे का ट्रक भी आने वाला, जो कि भाई मैंने बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ पे कचरा देखो भाई कितना ज्यादा जमा हो गया है। और ये आके ना सारा का सारा भाई, शार्क का नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है, इस गेम के अंदर शार्क भी है क्या, ओह किंग ऑफ द सी, ओ तेरी भाई आ चुका है 3 मिनट के अंदर शायद, या तो ओ शार्क का अटैक हो चुका भाई मेरे ऊपर, शार्क का नोटिफिकेशन आ रहा है भाई। गेम के अंदर गन वगैरह या फिर कोई भाला वगैरह तो है नहीं, तो मैं कैसे लड़ूंगा इससे। एक सेकंड मैं ना थोड़ा आगे जाके देख लेता हूँ चक्कर क्या चल रहा है। ओ तेरी भाई कितनी बड़ी शार्क है, ये कुछ तो करने वाली है भाई, कुछ तो करने वाली है, शार्क ही है या फिर कुछ और है, मॉन्स्टर है भाई ये कितनी बड़ी शार्क है भाई। अब मोटर बोट वाले भाग नहीं रहेगा डर किससे, चल ठीक है भाई मोटर बोट में ना मैं फ्यूल डाल देता हूँ, ये बेचारा भाग लेगा, वरना भाई शार्क का शिकार हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जा तू यहाँ से अपनी जिंदगी जी ले, वरना भाई फालतू में मारा जाएगा। और ट्रक भी भाई बहुत जल्दी आने वाला है, तो ठीक है ये आ चुका है ना, तो अब मुझे क्या करना है, ये सारा का सारा कूड़ा लेके जा चुका है यहाँ से, ठीक है मुझे इसके पैसे देने हैं क्या, नहीं नहीं ये शायद ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगा, निकल तो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो ड्राइवर ही नहीं है। ओ हाँ ठीक है जाने वाला है यहाँ से, बढ़िया भाई बढ़िया। और यहाँ पे गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भाई मैंने ट्रैफिक क्लियर कर दिया था, अब भाई गाड़ियाँ आने शुरू हो चुकी है, तो भाई क्यों ना लॉक पिक की मदद से थोड़ी बहुत चोरी कर ली जाए। और इसके लिए तो मास्टर चाहिए भाई, मैं नहीं कर सकता, इसके लिए भी मास्टर चाहिए, इसके अंदर तो ट्रंक है ही नहीं। एक बार ना मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, नहीं यार नहीं कांट भी ओपन भाई, ये थोड़े तगड़े लॉक हैं तो मैं शायद इनको नहीं खोल सकता। और ये देखो भाई कैसे भाग के जा रहा है, मुझे लगता है इसी की ये गाड़ी है, कोई नहीं चलो भाई बाल बाल बच गया मैं, वरना भी शिकार हो जाता। और भाई 2 मिनट के अंदर ना माफी आने वाला है मेरे से कर्जा वसूल करने के लिए। फिलहाल तो भाई मैं ऐसा कर दूं अपने ना इस स्टेशन की सफाई कर लेता हूं, क्योंकि भाई इसके अंदर कचरे की कैपेसिटी ना थोड़ी कम है, बार बार मैं गार्बेज ट्रक मंगाऊंगा ना तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है मैं इसको ढंग से साफ कर लेता हूं, सारे के सारे जो खाली पीपे जैसी चीजें है ना भाई मैं इनको इसके अंदर ही रखने वाला हूं, और जो भी डब्बे या तीन टप्पड़ है भाई इनको भी मैं इसी के अंदर फेंक देता हूँ, बढ़िया। और यहाँ पे भाई अभी भी काफी ज्यादा सामान है, तो ठीक है भाई सबको ना मैं एक एक करके कचरे के डब्बे में फेंकते जाता हूँ।
उत्तरी भाई आइसलैंड गॉड, ये क्या हो रहा है? अभी तो टाइम है लेकिन भाई लावा फूट चुका है। मुझे भागना चाहिए फिर क्या करना चाहिए भाई, मेरे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था अचानक से क्या होने लग गया। मैं तो भाई अपने ये पीपे ना समुद्र के अंदर फेंकने लग रहा था। मुझे पता थोड़ी बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा लेकिन अब भाई इतनी मेहनत कौन करेगा, इनको एक एक करके मैं गार्बेज ट्रक में फेंकूँ। लेकिन भाई कितना ज़्यादा तगड़ा लावा फूटने लग गया है और लोग ना भाई डर डर के भाग रहे, मतलब भाई चीखों की आवाज़ सुनो और यार आग भी लग चुकी है किसी के अंदर। भाई मुझे ना ऐसा लग रहा है इसके अंदर ही आ जाना चाहिए क्योंकि बाहर ना सेफ फील नहीं कर रहा हूँ मैं। और इधर भाई सामान तो काफ़ी ज़्यादा है। मेरी भाई पंपर कहाँ पे है? ओ इसको भाई तूफान के अंदर भी फ्यूल चाहिए। नहीं यार, ओ तेरी भाई फाइनली ये बहुत ज़्यादा तगड़ा हो चुका है और फूटने वाला है और फूट चुका है। ठीक है, मुझे शायद यू फेल टू पे योर डेप्थ इन टाइम। ओ तेरी भाई मैंने ना इसको डेप्थ नहीं भरी इसलिए इसको गुस्सा आ गया और ये फट गया। मतलब भाई मैंने आइलैंड के गॉड से कर्जा लिया था क्या? मुझे लगा था मैंने किसी माफिया वगैरह से लिया था। लेकिन ये देखो भाई गंदगी कितनी ज्यादा हो चुकी है तूफान आने के बाद। लेकिन कोई नहीं भाई, सारी की सारी गंदगी हम चुटकियों में साफ कर देंगे क्योंकि भाई सफाई करने में हमारा कोई जवाब नहीं है। लेकिन यार मैंने ये वाला काम तो अपनी वर्कर को दिया था, पता नहीं भाई वो काम छोटी सी कहाँ जा चुकी है। और भाई उसको ना मैंने नाइट शिफ्ट दे दी थी और अभी ना दिन हो रहा है तो शायद इसलिए वो काम पे नहीं आ रही है। कोई नहीं भाई, बहुत जल्दी नाइट हो जाएगी तो वो आ जाएगी। फिलहाल तो भाई मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, सारा का सारा कचरा अपने इस बड़े से कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। तो ठीक है भाई, कचरे की तो सफाई मैंने कर दी है और अभी भी भाई एक टास्क मेरा रह गया कि मेरे ना टॉयलेट के अंदर दो लोग जाने चाहिए। पर पता नहीं भाई टॉयलेट एकदम खुला हुआ है और साफ सुथरा भी है थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर भाई लोग जा क्यों नहीं रहे? मतलब भाई मैं काफी देर से वेट करने लग रहा हूँ और रात भी बहुत जल्दी होने वाली है तो मेरी वर्कर भी आ जाएगी फ्यूल भरने के लिए। और मुझे ना भाई दो वर्कर हायर करने पड़ेंगे, एक जो दिन में काम करे और एक जो भाई रात में काम करे। लेकिन फिलहाल तो भाई पैसे की थोड़ी कमी है तो मुझे एक वर्कर से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये देखो भाई कस्टमर ने काफी सामान ले लिया और फ्यूल वगैरह भी शायद ठीक ही चल रहा है। बाकी यहाँ पे मोटर बोट वगैरह आई हुई होगी। हाँ ठीक है, इसके अंदर ही मैं फ्यूल डाल देता हूँ। भाई कुछ भी बोलो, फ्यूल भरने में मजे बहुत आते हैं। और 112 लीटर तेल अभी भी बाकी है हमारे पास। 200 लीटर मैंने ऑर्डर किया था और काफी जल्दी भाई रात भी हो जाती है इस गेम के अंदर। मतलब दिन रात का कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा। और गाड़ियों पे गाड़ी भाई आती जा रही, जब से मैंने वो ग्लिच ठीक किया ना भाई तब से भाई यहाँ पे गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ना मैं फिर से लॉक पिक लेके ट्राई करूंगा अपनी किस्मत। इसमें तो ट्रंक नहीं है, इसमें ट्रंक है लेकिन इसके अंदर पैसेंजर बैठा है और इसके अंदर भी बैठा भाई। छोड़ो यार अभी मुझे पंगे नहीं लेने चाहिए। चलो भाई बढ़िया, थोड़े बहुत काम मेरे समझ में आ चुके हैं। $275 हो चुके हैं और भाई मैंने ना जो क्रोध देख लिया था ज्वालामुखी का उसकी वजह से शायद मेरा लोन भी जा चुका है। ये देखो मेरे ऊपर है करंट लोन जीरो। मतलब भाई उसने जो भी तबाही मचाई थी ना वो 2000 का कंपनसेशन मान सकते हो। और मेरी ना वर्कर भी भाई बहुत ज्यादा बढ़िया काम करने लग गई है। और हमने जो स्कूबा डाइविंग का खोला था ना भाई वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है। आप देख सकते हो भाई मैंने ना अब तक 28 कस्टमर को सामान दे दिया रेंट पे। और इधर ना अभी भी थोड़े बहुत सामान बाकी है तो मैं इसको भी शेल्फ पे जमा देता हूँ जिससे लोग आके इसको रेंट पे ले जाएंगे और मुझे धड़ाधड़ पैसा मिलता रहेगा। फिलहाल तो भाई ये पत्थर वगैरह आ चुका है यार रास्ते में क्योंकि भाई तूफान आ गया था ना, तो मुझे ना भाई ये हटाना पड़ेगा। और ये लोग चिल्ला क्यों रहे, क्या हो गया? ओ उसकी गाड़ी पलट चुकी सामने, तो मुझे भाई उसकी गाड़ी ठीक भी करनी पड़ेगी। एक सेकंड, मेरा झाड़ू कहाँ है, ये रहा। और इसकी गाड़ी को मैं सीधा कर देता हूँ। अबे इसकी गाड़ी भाई पलटी कैसे है? एक सेकंड, अब पलटी कैसे भाई तेरी गाड़ी? आ जा और हो जा सीधा, हो गया। अबे यार भाई कैसी गाड़ी इसकी? ठीक है भाई सीधी हो चुकी है। ठीक है अब तू यहाँ से निकल जा, थोड़ा सा ना मैं धक्का दे देता हूँ। ठीक है अब यहाँ से ये निकल जाएगा। एक गाड़ी यहाँ पे पलटी पड़ी है, इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है तू भी निकल यहाँ से। मतलब भाई लोग इतने बेवकूफ है। ये देखो भाई यहाँ पे आ गई, अड़ गया है, इसको भी थोड़ा सा धक्का देके यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई निकल जा, ट्रैफिक मत लगाइयो। और यहाँ पे भी गाड़ी पलटी पड़ी है भाई, ये ना लेकिन मेरी रेंज के बाहर है तो इनको मैं पलटी रहने देता हूँ, मैं नहीं सीधा करने वाला। बाकी भाई यहाँ पे ना मैं देख लेता हूँ यार कितने बड़े बड़े पत्थर भाई आ चुके हैं यहाँ पे। तो ठीक है भाई मुझे ना यहाँ से ये हटा देने चाहिए। वैसे कितनी सफाई करूँ भाई, सफाई की तो बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। कितने पीपे वगैरह और फालतू वालतू की चीजें रखी हुई है, ये देखो इसको तो मैं समुद्र के अंदर फेंक देता हूँ। निकल यहाँ से। ओ भाई इसके अंदर ताकत तो बहुत ज्यादा, इसने कितनी दूर पत्थर फेंक दिया मानना पड़ेगा भाई। और हमारी जो वर्कर है ना भाई ये कैश काउंटर को भी संभाल रही है और ये गाड़ियों के अंदर फ्यूल भी डाल रही है क्योंकि भाई मैंने ना इसको मल्टीपल काम दे दिए है। जब तक वो कैश काउंटर को संभाल रही है मैं इस गाड़ी के अंदर फ्यूल डाल देता हूँ। ठीक है और भाई अब ना हमारा जो बिजनेस है काफी ज्यादा बढ़िया आगे बढ़ चुका है। हमने भाई मल्टीपल इनकम के सोर्स ढूंढ लिए है। एक है स्कूबा डाइविंग, एक है टॉयलेट, शायद थोड़े बहुत पैसे मिलते होंगे इससे। एक है भाई हमारा गाड़ियों के अंदर फ्यूल भरना, एक है भाई हमारा पार्किंग, एक हमारा बोट के अंदर फ्यूल भरना,
और जल्दी ना भाई हम और भी चीजें करने वाले हैं। आज किस वीडियो में भाई हमने बहुत कुछ किया, हमने एक वर्कर को हायर किया, उसके लिए क्वार्टर बनाया, एक टॉयलेट बनाया, एक हमने स्कूबा डाइविंग के लिए स्टैंड बनाया, साथ ही भाई अपने ना इस स्टेशन को रेनोवेट भी किया, कलर वगैरह करके तो भाई ये एकदम चमचमा रहा है। और मौसम देखो भाई कितना ज्यादा बढ़िया है, रात के टाइम तो भाई ये गेम देखने लायक होता है। बाकी भाई आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना, और बहुत जल्दी ना भाई इसके अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको बाय।